ये रहा हमारा नया मैकबुक प्रो। फाइनली देखो गाइस आ चुका है मेरा नया लैपटॉप, और चलिए अभी घर चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग और पूरा रिव्यू देखते हैं करके कि कैसा इसके अंदर लैपटॉप है। A few moments later. तो गाइस फाइनली आ चुका है हमारा लैपटॉप, यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर है चंदन, ये अनबॉक्सिंग। चलिए अब तक का सबसे बड़ा पार्सल मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, सबसे महंगा पार्सल जो कि इसमें लैपटॉप है। ये जो लैपटॉप है ये मैंने यूट्यूब से लिया है, या कैसे लिया है वो मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर कहीं बीच में बताऊंगा। काफी दिन से मेरा ड्रीम था एक लैपटॉप लेने का, क्योंकि जो वीडियो का क्वालिटी था उसको अपग्रेड करने का टाइम आ चुका था। जब से यूट्यूब स्टार्ट किया हूं तब से अभी तक शूटिंग से लेकर हर कुछ, एडिटिंग, फोटोग्राफी, थंबनेल, हर कुछ मैं मोबाइल से ही करता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि थोड़ा अपग्रेड किया जाए, इसलिए मैंने एक लैपटॉप मंगाया है। और दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये सेम टू सेम मैकबुक की तरह ही है, मतलब आप कह सकते इसको मैकबुक ही। पूरी स्पेसिफिकेशन भी आपको मैं बताऊंगा, कौन सा ब्रांड है वो भी मैं आपको रिवील करूंगा। चलिए देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट, अब उससे रहा नहीं जा रहा है, चलिए इसको ओपन करते हैं। फाइनली ये रहा गाइस हमारा नया लैपटॉप, और देख सकते हैं इसके अंदर बॉक्स के अंदर पैक। ब्रांड की बात कर लेते हैं गाइस, ये है एविटा कंपनी का लैपटॉप, और मुझे इस बजट में, मेरा जो बजट था उस रेंज में यही लैपटॉप मुझे सुटेबल लगा। ये इसका बॉक्स है, और इसके अंदर भी एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे एविटा की ब्रांडिंग भी की गई है। ये इसका एडेप्टर है, चार्जर है, और ये रहा एडेप्टर। ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि लैपटॉप है, और काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है। चलिए इसको हटाते हैं, इतना सारा बॉक्स के अंदर ये काफ़ी सेफ्टी से भेजा गया है। ये जो मॉडल है गाइज ये है एविटा लाइवर V15, 8GB रैम, 512GB हार्ड डिस्क, राइजन 5, यस है। तो फाइनली गाइज ये रहा हमारा नया मैकबुक प्रो, देख सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ गाइज, ये एक तरह से सस्ता मैकबुक है। और गाइज सच में यार इसको हाथ में रखने के बाद पूरा मैकबुक जैसा ही फील आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा है क्या चंदन कोई दूसरा लैपटॉप यार, एकदम एक्सपेंसिव लग रहा है, मतलब जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही लग रहा है पूरा। अगर जो एविटा का जो लोगो है इसको हटा के गाइज अगर यहाँ पर एप्पल का लोगो होता तो पूरा एप्पल का ही मैकबुक प्रो लगता, और बहुत यार काफी बढ़िया कॉम्पैक्ट साइज है, एकदम देख सकते हो चारों साइड से गाइस, ये लग रहा है एकदम, हाँ ये कोई प्रोफेशनल लैपटॉप है यार। कहा जाता है कि ये एक हाथ से भी ओपन हो जाता है, सच में यार ये तो एक हाथ से भी ओपन हो गया, बहुत ही ऑसम है यार। हाँ ये हमारा नया लैपटॉप, देखो गाइज ये पूरा आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि कोई दूसरा ब्रांड का लैपटॉप, पूरा आपको मैकबुक की तरह लगेगा। ये देखो इतना बड़ा यहाँ पे कीपैड भी दिया गया है। तो ये जो लैपटॉप मैंने लिया स्पेशली एडिटिंग के पर्पज से ही लिया है, जो कि मेरा यूट्यूब का काम होता है ज्यादातर, तो वो सब इसमें हो जाएगा। आप देखते हैं अब से जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी आने वाली है, बढ़िया क्वालिटी आने वाली आ चुका है हमारा नया लैपटॉप बीस्ट। तो ये रहा फाइनली दोस्तों लैपटॉप, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है HDMI Ryzen 5, ये यहाँ पर Ryzen 5 प्रोसेसर है, और ये कुछ ऐसा लैपटॉप है, और यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। ये जो डिजाइन दिया गया ना ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, यहाँ पे एक कैमरा भी दिया गया है। अभी ऑन कर रखा है, बेसिक मोड है। तो यहाँ पे गाइस सबसे बढ़िया फीचर फिंगरप्रिंट भी दिया गया है। हाय स्टार्ट ये एक्चुअली विंडो ये है। सो गाइस ये हमारा नया लैपटॉप एविटा राइजन 5 लैपटॉप, ओवरऑल मुझे सही लगा इसका। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेक चैनल का लिंक है, वहां से आप उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पे आपको इसका डिटेल रिव्यू, फुल रिव्यू उस पर आपको देखने को मिलेगा इस एविटा लैपटॉप के बारे में। अब बात आती है मेन मुद्दे की, जो कि इस लैपटॉप का जो प्राइस है, और ये मैंने कैसे खरीदा, यूट्यूब से या फिर खुद के पैसे से। तो इसका जो प्राइस मुझे देना पड़ा है वो है 38,990 रुपये, और लगभग मान के चलो 39,000 का लैपटॉप है। और अगर आप ये सेल में लेते हैं तो आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, लेकिन मैंने सेल में नहीं किया, मुझे ज़रूरत था अचानक,
इस लैपटॉप का, इसलिए मैंने अचानक इसको ऑर्डर कर दिया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ तक इंतजार कर रहे होंगे कि ये जो लैपटॉप है वो मैंने कैसे लिया, तो दोस्तों इस लैपटॉप का पूरा जो पैसा है वो यूट्यूब के थ्रू ही मैंने लिया है। यस, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग से ये लैपटॉप आया है, तो आप सोच सकते हैं कि यूट्यूब से इतना मैंने कुछ किया। अभी आगे फ्यूचर में और भी कुछ करना है, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखो और इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट भी करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।